हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब ने अपना टर्म टू का रिजल्ट जरूर देख लिया होगा कुछ 62 स्कूल्स के रिजल्ट अभी स्क्रूटनी में है पेंडिंग है और मे बी क्लास आपका स्कूल अगर उसमें से हो तो शायद आपका रिजल्ट अभी नहीं आया हो लेकिन बहुत हार्श की बात है कुछ ऐसे स्कूल है जो बच्चों को अभी तक रिजल्ट बता ही नहीं रहे यार जब सीबीएसई ने शेयर कर दिया है तो मेरी अपील है उन सारे स्कूल्स को कि रिजल्ट शेयर करो बच्चों को बहुत एनजाइटी होती है रिजल्ट आने के बाद तुरंत बच्चे को सबसे पहले रिजल्ट देखना होता है कि उसकी मेहनत जो टर्म वन में

जो लोग अभी फ्री हो जाते हैं टर्म वन हमारा बहुत अच्छा चला गया चलो आराम करेंगे नहीं बेटा टर्म टू का वेटेज बढ़ने वाला है जी हाँ टर्म टू का वेटेज पूरी तरीके से बढ़ सकता है क्योंकि सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस डाला है आप पढ़ के देखना पहली बात तो देखो

कि सर आ, हमारे स्कूल वालों ने हमारे साथ जो है वो नाइंसाफी की है हमें नंबर अच्छे नहीं दिए गए चलो मैं मान लेता हूं कि जिसके कम नंबर आते हो ऐसा बोलता है ठीक है लेकिन क्या उनको अपनी बात रखने का एक मौका नहीं मिलना चाहिए क्या सी को कोई ऐसा सिस्टम नहीं निकालना चाहिए जिससे बच्चा अपनी कॉपी रीचेकिंग कर ले कितनी नकल हुई है पेपरों में कितने क्लास सी को बी बनाए गए हैं ए बनाए गए हैं आप सबको पता है कितने सारे क्लास पिटिशन फाइल किए गए हैं कितने सारे जगह से क्लास कंप्लेन फाइल की गई कि टर्म वन, को कर टर्म वन बहुत सारी नकल हुई है बहुत सारे बच्चों ने टर्म वन में क्लास बहुत सारे टीचर्स टीचर साथ मिलकर झोल किया है बहुत सारे ऐसी न्यूज आप सबके सामने आई है और आप सबने अपने फेस टू फेस देखा भी है कि जो बच्चे कनेक्शन में है स्कूल से उनको ज्यादा नंबर दे दिए जो फेलियर्स है उनको अच्छे नंबर दे दिए और जो टॉपर्स है बच्चे हैं उनको थर्टी थर्टी टू

ना हो बिल्कुल भी टेंशन ना लो टर्म टू का वेटेज बढ़ेगा सबकी यही डिमांड है कि टर्म वन का जो वेटेज है कम किया जाए टर्म टू का वेटेज बढ़ाया जाएगा और आप टर्म टू में मेहनत करो जी जान लगा के अभी एक नई नए सिरे से शुरू करो आज से मेहनत करोगे ना सीबीसी ने बहुत टाइम दिया है हम आज से अगर मेहनत करेंगे ना क्लास तो बहुत अच्छे से टर्म टू स्कोर कर जाएंगे मेरी बात मानो स्ट्रैटेजी लेके आऊंगा आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा बस मेरे कहे मेरी वीडियो को देख के अच्छे से पढ़ के समझ लो अगर समझ नहीं आता तो बात अलग बढ़ तो समझ आता है फिर भी नहीं पढ़ रहे तो गलत बात है आपको मेरी वीडियो से समझ आ रहा है फिर भी आप नहीं पढ़ रहे तो यार देखो कितनी कितनी गलत बात है ये टर्म टू में स्कोर करो टर्म वन में जो कम नंबर आए हैं उसे टर्म टू में मेकअप करने की कोशिश करो रेदर देन क्या आप यहां वहां भटको परेशान हो टर्म टू का वेटेज बढ़ेगा पक्का बढ़ेगा मैं आपको दिखाऊंगा क्लास प्रूफ के साथ सबसे पहली बात कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका क्लास कोविड की वजह से है किसी रीजन की वजह से क्लास जेनुन रीजन की वजह से क्लास एग्जामिनेशन मिस हो गया है वो भी टर्म टू दे सकते हैं टर्म टू किसी के लिए मना नहीं है हर कोई टर्म टू दे सकता है और टर्म वन का कोई भी रिजल्ट का पास फेल से लेना देना टर्म वन बस होना चाहिए नहीं जो अटैम्प्ट उसका टर्म टू के बेसिस पे ही फाइनल रिजल्ट बनेगा तो आप सबको टर्म टू दे सकते हो क्लास चाहे वो प्राइवेट कैंडिडेट है उन सबको टर्म टू के बेसिस से प्रोराटा बेसिस मिलेगा पर जो रेगुलर कैंडिडेट के बच्चे हैं वो सारे अगर किसी की क्लास मिस हो गए वरी आपको यहां पे भी पेपर देने का मौका मिलेगा दूसरी चीज है टर्म वन की कोई मार्कशीट नहीं आएगी रिजल्ट सिर्फ स्कूल वाले ही दिखाएंगे आपको जो क्लास उनके पास ईमेल पे आया होगा रिजल्ट वही दिखाएंगे डैशबोर्ड पे लेके क्लास आपको वो प्रिंट शेयर करेंगे दूसरी बात क्लास कोई मार्कशीट नहीं होगा कुछ भी और टर्म टू के रिजल्ट में सिर्फ ये कॉन्ट्रीब्यूशन डालेगा मतलब टर्म वन का रिजल्ट अच्छा है तो बेहतर है उसका एक परसेंटेज टर्म टू के रिजल्ट में जाएगा जो कि सीबीएसई ने पहले कहा था फिफ्टी लेकिन सीबीएसई खुद अपनी बात से क्लास मुकरेगी क्योंकि उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये डाला है कि टर्म वन का कितना वेटेज होगा और टर्म टू का कितना वेटेज

implement K इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम तो है नहीं पुराना तो कमियाँ तो निकलेंगी तो इसीलिए क्लास इसकी वेटेज को घटा सकता है मे भी मैं ये एक अपने आप से नहीं कहूंगा लगभग टर्म टू का यानी टर्म टू बहुत इंपॉर्टेंट है इससे दिमाग लगा लो कि जो ओपन वाले बच्चे हैं उनको सिर्फ टर्म टू ही पढ़ना है क्योंकि वो पुराने पैटर्न से है और वो पूरा डिस्क्रिप्टिव है उसमें अलग अलग सेंटर मिलेंगे आपको उसमें नकल के चांस बहुत कम होंगे लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा आपको कॉपी भी क्लास चेक होगी प्रॉपर टाइम लगेगा सब कुछ पूरा प्रोसेस है तो इसका वेटेज बढ़ सकता है मेरी बस सीबीएसई से एक ही रिक्वेस्ट है जिसके लिए मैं बोलूंगा इस वीडियो को अपने हर एक टीचर तक हर एक स्टूडेंट तक हर एक बच्चे के पास भेजो क्या सीबीएसई ने क्लास कहा है कि टर्म वन का और टर्म टू का वेटेज कितना होगा टर्म के रिजल्ट के टाइम पे होगा यार ऐसे आप मत करो क्योंकि रिजल्ट टाइम पे करोगे तो बच्चा क्या सोचेगा बच्चा तो अभी फिफ्टी फिफ्टी लेके चल रहा है उस हिसाब से मेहनत करेगा हाँ अगर आप बच्चों को ये बोलते हो नहीं बेटा टर्म वन थर्टी परसेंट टर्म टू एट्टी परसेंट यावेंटी फोर्टी सिक्सटी जो भी है वो अभी से बोलोगे ना तो बच्चा उसकी अहमियत समझेगा बच्चा डिमोरलाइज नहीं होगा बच्चा अहमियत यार टर्म टू का वेटेज ज्यादा है तो मैं अच्छे से मेहनत करूंगा और अच्छे से पढ़ूंगा जो भी है मेरे हिसाब से सीबीएसई को पहले क्लैरिफाई कर देना चाहिए बाद में अपनी मर्जी से इस चीज को करना थोड़ा सा मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा आप सबको शेयर करना ताकि क्लास एटलीस्ट सीबीएसई के पास ये बात पहुंचे कि आप जो भी कर रहे हो आप पहले बता दो ताकि क्लास हमारे जो स्टूडेंट्स है देखो हम ग्राउंड से जुड़े हुए हैं बच्चों से जुड़े हुए बच्चों से हमें बताते रहते हैं हम बात करते हैं बच्चों से तो यार बच्चों को अगर पहले बता दोगे तो दो हिसाब से प्रिपरेशन करेगा और कोई भी पैटर्न में चेंज वगैरह ना किया जाए जैसा है वैसे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वैसे ही करते चलें ठीक है तो इसको प्लीज अपने सब दोस्तों को पहुंचाना कि लेकिन इसका वेटेज जरूर चेंज होगा वेटेज टर्म वन टर्म टू का जो है वो टर्म टू के रिजल्ट में रिजल्ट के टाइम पे मतलब टर्म टू रिजल्ट के टाइम पे आफ्टर नहीं क्लास टर्म टू जब भी रिजल्ट आएगा उस टाइम पे डिक्लेयर किया जाएगा और हाँ टर्म टू का जो कंबाइन रिजल्ट बनेगा उस हिसाब से किसी बच्चे को पास कंपार्टमेंट या क्लास एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में डाला जाएगा तो कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि हम इस बार फेल पास नहीं होगा ऐसा नहीं है टर्म वन में कोई फेल पास नहीं है टर्म वन का सिर्फ मार्क्स लिया जाएगा बट टर्म टू में बच्चे फेल भी होंगे कंपार्टमेंट भी आएगी और पास भी होंगे तो इसीलिए पढ़ाई चालू करो मैं इस बात की खुलेआम गारंटी देता हूँ पब्लिक प्लेस पे खुले आम बोल रहा हूँ क्लास यहाँ पे पब्लिक के सामने इतने सारे लोगों के सामने कि अगर आपने मेरी स्ट्रेटजी ध्यान से फॉलो करी दुनिया की कोई ताकत नहीं क्लास जो आपको 60 परसेंट से कम

मार्च तक ही ऐसा हो सकता है तो अगर आपको लगता है कम नंबर तो डरो मत स्कूल वालों को क्लास लिख के भेजो अब बच्चे की भी गलती है प्रैक्टिकल है, है भी है, भी है वाला मुझे ना दे, और बदला ना ले, ले। सोचते हैं पंगा लेता है जिस तरह से एक मरीज का जो गाड़ी है वो कहता है डॉक्टर से क्या पंगा है डॉक्टर लूट रहा है लूटने दो फालतू मत बोलो क्योंकि भैया फिर कहीं कुछ और ना कर कोई तबियत खराब ना कर दे और गलत ना इंजेक्शन लगा दे समझ रहे हो तो सिमिलरली स्कूल वालों को स्कूल कमी कौन बताएगा लेकिन यह मुद्दे को उठाएगा नहीं क्योंकि समझ रहे हो ना अभी मुद्दे को उठाएगा नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं क्लास प्लीज इस वीडियो को पहुंचाओ ताकि स्कूल वाले जो है गल, गलत ना करें किसी किसी के साथ मार्क्स अगर बच्चों को लग रहा है कम है ठीक है मैं मानता हूं कमजोर है उसको लग रहा होगा ज्यादा नंबर मैं मानता हूँ ऐसे बच्चे होंगे सब तो ऐसे बच्चे नहीं होंगे ना मुझे लगता है कि मैं फोर्टी फोर्टी वाला फोर्टी ला सकता हूं किया पेपर अच्छा है सब कुछ ठीक है फिर मुझे ट्वेंटी एट मिल रहा है थर्टी मिल रहा है तो यार मेरी मेरे को सेटिस्फेक्शन देने के लिए एटलीस्ट कोई ना कोई तो एक प्रॉब्लम सोल्यूशन होना चाहिए प्रॉपर सोल्यूशन होना चाहिए सीधे स्कूल वालों के पास भेजना स्कूल वाले कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस एप्लीकेशन को पहुंचाएंगे नहीं तक बच्चा क्या जानेगा कुछ भी नहीं जान पाएगा ओके कुछ स्कूल का पेंडिंग है मे बी क्लास कुछ ऐसे बच्चे हों में से और जिनका रिजल्ट अभी तक पेंडिंग हो तो स्कूल वालों से अपील ये कि रिजल्ट सबको दे दें और इन स्कूल्स को छोड़ के क्योंकि यहाँ से सी ने होल्ड कर रखा है बट एक दो दिन के अंदर उनके भी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे फाइनली बस आप सबसे इतना कहूँगा जिनके अच्छे नंबर आए बहुत अच्छी बात है मुझे बहुत खुशी है आप बहुत सारे बच्चों के फोर्टी फोर्टी आए लेकिन अगर आपके फोर्टी फोर्टी आए हैं तो इसका जो भी वेटेज लिया जाएगा उसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे डोंट वरी लेकिन प्लस बाकी जो टर्म टू है उसके यार बहुत अच्छे से मेहनत करो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो मैं आपके लिए क्लास दो बहुत बड़े सरप्राइजेस है वो लेके आने वाला हूँ जहाँ पे मैंने आपको पूरा सिलेबस तो करा रखा है लेकिन क्लास आपको था कोई भी यूट्यूब पे क्लास ना आपको केस स्टडी कराएगा ना सैम्पल कराएगा कोई भी नहीं लेकिन मैं आपको केस स्टडी सैम्पल रिविजन वन शॉट उसके बाद क्लास आपके केस बेस्ड क्वेश्चन हो चाहे क्लास आपके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो और इसके साथ साथ क्लास आपकी सारी थ्योरी अकाउंट्स की सारी सीरीज मैं बना रहा हूं कंटिन्यू मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए डेली लेके आऊंगा और आपके टर्म टू में और बेहतर प्रिपरेशन मैं गारंटी दिलाता हूं एक भी बच्चे को फेल नहीं होने दूंगा बस ध्यान से पढ़ो समझो स्ट्रेटेजी को फॉलो करो ठीक है आई होप क्लास आपके घर वाले खुश होंगे आपके रिजल्ट से आपको मोटिवेशन मिला होगा और आप आगे और भी ऐसी मेहनत करोगे ताकि ऐसी खुशियां टर्म टू में भी आए टर्म टू इज मोर इंपोर्टेंट उसका रिजल्ट इंटरनेट पर आएगा उसका डाउनलोड करके क्लास आपको आगे एडमिशन लेना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी एंट्रेंस के लिए कोई भी अपडेट आती है फाइनल अपडेट इधर उधर की बातें नहीं क्लिक नहीं फाइनल अपडेट आती है तो मैं आपको शेयर करूंगा ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो वीडियो में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें कॉमेंट करके मुझे बताना कि आपके कितने स्कोर आए और आपके साथ ऐसा क्या क्या गलत हो रहा है अगर कुछ आपको पता है तो मुझे बताओ शायद मैं आपकी वॉइस को रेज कर सकूं कंबाइन कई सारे बच्चे मुझे फोन करते हैं इंडिविजुअली मैं हेल्प नहीं कर पाता इसलिए मैं पर्टिकुलर वीडियो बना के आपको बता रहा हूं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ क्या कौन कौन विक्टिम है किसको ऐसा लगता है मुझे कम कमल मिले हैं या ज्यादा मिले हैं या कितने मिले मुझे बताओ सारी बातें वीडियो को अपने सारे क्लासमेट दोस्तों में इंस्टाग्राम फेसबुक हर जगह व्हाट्सएप के स्टेटस हर जगह शेयर कर दो फटाफट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो पहले तो टेक केयर बाय बाय नए अपडेट के साथ